कमिंग कल्चर एंड हेरिटेज म्यूजियम का उद्घाटन किया गया चाइनीज आर्मी के द्वारा, वो हमारा भी जॉब काफी सही हुआ है। सच है, सरकार ने जो बनाया है हमारा स्टेट गवर्नमेंट और प्लस इंडियन आर्मी का एफर्ट्स है, मैं ये कह सकता हूँ कि इसके बनने के बाद टूरिज्म का और भी फ्लो होगा और जो है कि यहाँ पे हमारा जो भारत के बहुत सारे सेना जो ऑफिसर से लेकर सिपाही तक बहुत सारा उन्होंने अपना यहाँ प्राण खोया था नहीं है, वो इस म्यूजियम में आराम से आके एक ही बार में जितने भी यहाँ जनजाति हमारे वेस्ट कामेंग जिला में रहते हैं सभी के बारे में यहाँ पे जान सकते हैं। जो कि हमारे निक माधुम के विलेजेस अलॉन्ग विद द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर कर रहे हैं। तो देवेंद्र सज्जन, इसके बाद हम मंच पर बुलाना चाहेंगे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश श्री ओजिंटा सिंह जी ऑन स्टेज। सर के लिए जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑनरेबल मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन ट्रांसपोर्ट श्री ओजिंटा सिंह जी, उनको सम्मान जाहिर करते हुए हमारे बीच यहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑनरेबल एमएलए दिंगराम और निकमादों के गांव वाईएसएम सर प्लीज कम ओवर टू द स्टेज। हमारे लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह साहब के लिए जोरदार तालियां, ऑनरेबल एडमिनिस्टर तो ऑनरेबल मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी आईवीएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद देवर सज्जन, हम मंच पर ऑनरेबल एमएलए त्रिजिनो बुरा काउंसलर, इसके बाद सर आपको भी हम हमारे जो गांव के लोग हैं आप हमारे हम मंच पर फिर एमएलए कलाकांग श्री चेतन जोगी को बुलाना चाहेंगे और सर अनगिनत है जो सुविधा जो मदद आप करते हैं।
मेरा तरफ से एक और दरख्वास्त रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही सही मंच मुझे मिला है हमारे बीच देश का सबसे युवा मुख्यमंत्री, और मुझे आपको मिलकर सर बहुत अच्छा लगा सर। आप भी सर जो माननीय मुख्यमंत्री हैं अपने शुभ कमल हाथों से उसको हैंड ओवर करें, जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन। हमारे जितने भी टूरिस्ट हैं बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट यहाँ से लेकर जा सकते हैं, और आज से ये ऑफिशियली चालू हो चुका है। इसके बाद मैं कैफेटेरिया के लिए यहाँ पर मिस निवाचोजन को बुलाना चाहूँगा, और उसको भेंट करने के लिए फिर से हमारे जितने भी मंच पर उनको अनुरोध करना चाहते हैं कि ऑफिशियली उसको हैंड ओवर करें। द कैफेटेरिया शॉप ऑफ कमिंग कल्चर एंड हेरिटेज म्यूजियम। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद जिस किसी ने भी यहाँ पर इस कामिंग हेरिटेज और म्यूजियम को आगे बढ़ाने या तो कंप्लीट करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनको इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पर सम्मान आवाज आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा प्रोफेसर मानवी सिंह, प्रो वाइस चांसलर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजियोलॉजी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। मैम आप आने के कष्ट करें और हमारे माननीय मुख्यमंत्री के शुभ कमल हाथों से उसको स्वीकार करें। जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रोफेसर मानवी सेठ। कैप्टन प्रवीण चतुर्वेदी, सीईओ ऑफ मूनलाइट पिक्चर्स मुंबई। यहाँ पर एक ऑडियो विजुअल हॉल बने हुए जहाँ पर आप बहुत ही जो मेनलैंड जो सिनेमा है उसके स्तर के आप लोग डॉक्यूमेंट्री जो 30 मिनट का है उसको आप लोग का लुत्फ उठा सकते हैं। आज के बाद सीईओ ऑफ मूनलाइट पिक्चर्स मुंबई कैप्टन प्रवीण चतुर्वेदी। इसके बाद हम फेलिसिटेट करना चाहते हैं सोलो मद्रास को जिन्होंने ये प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया था, और आज हालांकि उनकी यूनिट यहाँ से मूव आउट हो चुकी है लेकिन उनके यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद है। तो देवर सज्जन जोरदार तालियों के साथ मंच पर सोलो मद्रास के रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पर स्वागत कीजिएगा। चुमी जैसे का यहाँ पर हैंड पेंटेड यहाँ पर एक पोर्ट्रेट है जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जितने भी दिग्गजगण हैं उनको ऑफिशियली हैंड ओवर कर रहे हैं। इसके बाद हम मंच पर बुलाना चाहेंगे 18 सिकलाई के रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने हालांकि शुरुआत सोलो मद्रास ने किया था लेकिन उसको कंप्लीट कराने में 18 सिकलाई का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनके लिए जोरदार तालियां देवर से जुड़ा। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यहां पर जो कमांडिंग ऑफिसर ऑफ 18 सिकलाई है मंच पर आने की कष्ट करें और उसको रिसीव करें। तवांग मोनास्ट्री की बहुत खूबसूरत यहाँ पर एक पोर्ट्रेट है यहाँ पर भेंट स्वरूप प्रस्तुत की जा रही है जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा और भेंट की जा रही है 18 सिकलाई फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ कामिंग कल्चरल एंड हेरिटेज म्यूजियम एट निकमाद। एक फोटोग्राफिक सेशन ताकि एक यादगार पाने की कष्ट करें और ऑफिशियली लॉन्च ऑफ द म्यूजियम कैटलॉग। हमारे जितने भी यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर हैं और अधिकारीगण हैं उनको कृपया
हैंड ओवर करें। The museum catalog, जोरदार ताली, ladies and gentlemen, officially being launched by the honorable chief guest, the guest of honor, and the row of dignitaries. कमलेश पासवान जी ऑन बनना मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जनरल ऑफिसर कमांडिंग गजराज कॉर्प्स इन प्रेजेंस ऑफ जनरल ऑफिसर कमांडिंग ब्लेजिंग सोर डिवीजन श्री कृपा सिंह जी ऑनरेबल एमएलए दिरांग निकमादुंग दिरांग अरुणाचल प्रदेश पासवान जी ऑन बनना मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जनरल ऑफिसर कमांडिंग गजराज कॉर्प्स इन प्रेजेंस ऑफ जनरल ऑफिसर कमांडिंग ब्लेजिंग सोर डिवीजन श्री कृपा सिंह जी ऑनरेबल एमएलए दिरांग निकमादुंग दिरांग अरुणाचल पीछे काफी गाँव ने मुझे बहुत निराश किया लेकिन मैंने करना Thank you.
We are here at West Kameng district of Arunachal Pradesh, and today Chief Minister Pema Khandu along with Union Minister of State for Donor Minister, they came here, they inaugurated the Kameng Cultural and Heritage Museum. उट क्या नहीं मिला नहीं मिला तुमको वो वाले हाथ में क्या है आज यहाँ पे नमोडू एरिया में जो कि दिरांग क्षेत्र में आता है यहाँ में हम लोग ने कमिंग कल्चर एंड हेरिटेज म्यूजियम का उद्घाटन किया गया और ये जो म्यूजियम जो यहाँ पे आज इतना सुंदर म्यूजियम जो बनके तैयार है उसको लेके अपना इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें और साथ ही साथ अपना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज उसका काफ़ी योगदान है सो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश को और भी लोगों तक लेके जाने में ये कमिंग कल्चर एंड हेरिटेज म्यूजियम काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगा इस म्यूजियम में अरुणाचल प्रदेश के जितनी भी जो ट्राइब्स है उसको दिखाने का यहाँ पे कोशिश किया गया है और खास करके जो अरुणाचल प्रदेश का जो भौगोलिक जो जो पोजिशनिंग है वो इस देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाला दिनों के लिए भी तो यहाँ पे एक छोटा सा एक ऑडिटोरियम भी एक थिएटर हॉल भी बनाया गया है जिसमें अरुणाचल प्रदेश का हिस्ट्री के बारे में और पहले जमाने में किस प्रकार से था तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट्रीज अपना टूरिस्ट लोगों को शोकेस करने के लिए एक ऑडिटोरियम भी बनाया हुआ है तो हमें उम्मीद है कि आज उद्घाटन होने के बाद में अभी जितने भी जो पर्यटक जो टूरिस्ट आएंगे इस म्यूजियम में आने के बाद में अरुणाचल प्रदेश के बारे में और भी उन लोगों को इन डेप्थ नॉलेज उन लोगों को मिलेगा तो ये इनिशिएटिव के लिए मैं अपने राज्य सरकार की ओर से इंडियन आर्मी को मैं बधाई देता हूँ साथ साथ यहाँ के जो लोकल जो विधायक है यहाँ के जो लोकल जनता है और यहाँ के जो प्रशासन है सभी लोग ने बहुत अच्छा यहाँ पे योगदान दिया है इस कमिंग म्यूजियम को लेके सर आज वेरी हिस्टोरिक डे 1962 हुआ 23 अक्टूबर आज का दिन में जोगिंदर सिंह का मतलब ये हुआ था शहीद सिंह के शहीद हुए थे और आज का दिन इस म्यूजियम में 1962 वार का भी कुछ सामान यहाँ पे जुड़े हुए बोले आपके अपने भाषण में क्या क्या चीज यहाँ पे रखा गया है और क्या क्या है यहाँ म्यूजियम में बेसिकली यहाँ के जो इस सेक्टर और अरुणाचल प्रदेश के कल्चर को डिस्प्ले करने का ज्यादातर यहाँ पे कोशिश किया गया है और 62 का कुछ अपना वार का कुछ रिमेन्स भी यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है आप लोग भी जाके उस म्यूजियम में आप लोग देख सकते हैं और आप सबको पता है कि 1962 में जो युद्ध हुआ था आज ही कहीं इसी समय में ही युद्ध हुआ था तो देखिए मेरा हमेशा कहना ये है कि अभी उस जमाने का भारत नहीं रहा है 1962 का भारत नहीं है अभी एक 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 डेवलप्ड एक भारत के रूप में हम लोग उभर के आए हुए हैं बल्कि ये कहते हुए मगर मैं एग्रेसिव नहीं हो रहा हूँ मैं युद्ध लड़ाई को बढ़ावा देने के लिए मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ कहने का मतलब वो पुराना भारत नहीं रहा है अभी भारत काफी आगे चल पड़ा है काफी डेवलपमेंट हुआ है बॉर्डर एरियाज में बहुत अच्छा फोकस वे में डेवलप हो रहा है लाइवलीहुड विलेज प्रोग्राम जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो शुरुआत किया है अभी इंडियन आर्मी के जरिए से हमारा जितने भी जो फॉरवर्ड एरियाज में जो बॉर्डर विलेजेस है एक जमाने में जो लास्ट विलेज कहता था वो आज फर्स्ट विलेज के तौर पे उसको देखा जाता है तो उस प्रिज्म से हम लोग अभी इवन गांव तक बॉर्डर एरिया को भी डेवलपमेंट लेके जाने में हम लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं विलेज है सर अरुणाचल में फर्स्ट विलेज फर्स्ट फेज में कुल मिला के अराउंड 465 विलेजेस जैसे है
उसमें अभी रोड का काम चल रहा है, करीबन मोर देन 1000 प्लस किलोमीटर्स का रोड लेंथ बन रहा है। इसके अलावा फिर हमारा स्किलिंग में भी काफी उसमें काम चल रहा है और लोकल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हम लोगों का सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उन लोगों का भी काफी मदद दे रहा है और इंडियन आर्मी के साथ में बॉर्डर एरियाज में टूरिज्म को और भी लेके जाने के लिए, ताकि वहाँ का लोगों को एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम होने के लिए, तो इंडियन आर्मी के साथ में इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। कल तक कॉमन कल्चरल हेरिटेज म्यूजियम में आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता और बड़ी खुशी है कि पुराने अपने हेरिटेज को रख के अपने लोगों को आने वाली पीढ़ियों के लिए जो जिस तरह से ये हेरिटेज बनाया गया, निश्चित में इंडियन आर्मी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आने वाली पीढ़ी जब आएगी तो इसको देखेगी और अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का इससे बेहतर, समाज को एक संदेश देने का इससे बेहतर तरीका और नहीं हो सकता है। टूरिज्म पोटेंशियल इससे बढ़ेगा आपको लगता है? बिल्कुल, यहाँ पे वैसे भी टूरिज्म के क्षेत्र में अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बहुत मनोहर दृश्य है, टेम्परेचर है, हिल्स है, फॉल्स है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसके बनने के बाद टूरिज्म का और भी फ्लो होगा और जो टूरिज्म के लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे इस जगह, वो जब जानेंगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में तो निश्चित तौर पर लोग जाके दूसरी जगह बताएंगे, उससे निश्चित तौर पर टूरिज्म यहाँ पर और इन्हांस होगा। बिल्कुल एकदम करेगी, राइट डिवीजन इससे पूर्ण रूप से हेल्प कर। इतना इम्पोर्टेंट मतलब तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है देश के लिए। एटलीस्ट हम लोग जो 1962 में जो जिन्होंने देश के लिए जो बलिदान दिया उसको हम लोग उसको याद में मतलब रखते हुए उसके लिए एक म्यूजियम हम लोगों ने ये यहाँ पे बना के दिया है। तो इसमें ये म्यूजियम केवल मतलब उन शहीदों के लिए बल्कि यानी बाकी अरुणाचल के जितने भी जो हमारे अदर ट्राइब्स है पूरा अरुणाचल को रिप्रेजेंट करेगा। हमारा खान पान कैसे, हमारा वेशभूषा कैसे, मतलब तो बहुत तो ये म्यूजियम आने वाले दिनों में मतलब एक दिरांग पे हम जब बात करते हैं तो एक फ्रेशमैन वो भी रहेगा कि टूरिस्ट को मतलब ये भी मतलब अट्रैक्ट करेगा। फंडिंग कैसे इसका फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट से भी हुआ, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हुआ और मेरा तरफ से मेरा अब तक मेरे संपर्क की तरफ से नहीं बल्कि मेरा अब तक काफी चाइनीज आर्मी को मारा और हमारा भी जवान काफी शहीद हुआ है। तमाम मैराथन को लेकर क्या मैसेज है, पीस एंड यूनिटी का तो मैसेज? हाँ, तो क्या कहेगा अभी वहाँ पे सेम सब कुछ लौटने जा रहा है तो इससे बड़ा मैसेज और क्या हो सकता है। थैंक यू। जो है आपको पता है ये पूरा सेक्टर जो है पूरा वेस्ट कामिंग सलाम जो है टूरिस्ट हॉटस्पॉट है ही है। अभी आज के दिन में दिरांग में रूम्स नहीं मिल रहे रहने को और ये खासतौर पर इस तरह का जो एसेट है सरकार ने जो बनाया है हमारा स्टेट गवर्नमेंट और प्लस इंडियन आर्मी का एफर्ट्स है ये बहुत, क्योंकि 1962 वॉर के लेके हमारे पास इस तरह का एसेट बहुत कम है। ये लोग जो जानना चाहेगा यहाँ पे खास करके 1962 की लड़ाई को हिस्ट्री को लेके यहाँ इन्होंने वॉर में लोग लगाते हैं और साथ में यहाँ पे पूरे अरुणाचल को जानने का म्यूजियम हमारे स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह का ये आर्टिफैक्ट्स जिस तरह का यहाँ पे चीजें सामान यहाँ पे रखा गया है आप देख सकते हो पूरे अरुणाचल की हिस्ट्री यहाँ पे है। तो ये बहुत फर्स्ट एंड नॉलेज मिलेगा और टूरिस्ट टूरिज्म पर्पज के लिए बहुत काम है। तो हमने इस तरह का जो एसेट क्रिएट किया है गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी ने इसका मेरे ख्याल से मेरा में बहुत काम होगा और बहुत आगे लेके जाए। मैराथन के लिए क्या मैसेज है सर, पीस एंड यूनिटी का जो मैसेज है, 4-5 हज़ार लोग आ रहे हैं पाकिस्तान का क्या मैसेज? आई वुड से माय बेस्ट विशेस टू ऑल और सिंस इंटरनेशनल मैराथन है फॉरेनर्स प्रोफेशनल फॉरेनर्स भी आ रहे हैं यहाँ पे दौड़ने के लिए तो ये अलग तमाम वैसे सब पर्यटन के लिए जाना जाता है लेकिन ये आप यूथ एंड स्पोर्ट्स के लिए एक हाई एल्टीट्यूड इवेंट के लिए तवान को जाना जाएगा और मध्य प्रदेश को एक स्पोर्टिंग की दुनिया में एक नया नाम कायम करने जा रहा है। टूरिस्ट जो आते हैं बाहर से जो देखने को आते हैं जो हमारे जो कमिंग सेक्टर में जो रहते हैं जो जितने भी जनजाति रहते हैं उनके बारे में जिनको पता नहीं है
वो इस म्यूजियम में आराम से आके एक ही बार में जितने भी यहाँ जनजाति हमारे वेस्ट कामेंग जिला में रहते हैं सभी के बारे में यहाँ पे जान सकते हैं। तो ये कितने टाइम में बना है? एक साल लग गया। हाँ, एक साल से अधिक लग गया है। आज क्या कहेंगे आप, चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन करी जी, आज हमारा को फायदा होगा यहाँ से? हाँ, टूरिज्म, हमारा टूरिज्म सेक्टर में देखा जाए तो हमारा गाँव वासियों को और सभी इस जिला का जितना भी बिजनेस करता को सभी को बहुत बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे क्या चीटू के समय का बात है, उस समय तो मैं था भी नहीं, लेकिन अब जो सुना था आप लोग जो सुनते हैं हम उसी का हिसाब से कहा जाता है कि यहाँ पे हमारा जो भारत के बहुत सारे सेना जो ऑफिसर से लेकर सिपाही था बहुत सारा उन्होंने अपना यहाँ प्राण खोया था। आपका नाम? मेरा नाम रिया गैसो है, मैं निगमा डूंग लिस्ट हूँ।